जनता पंचायती राज के पक्षधर थे, बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया। नगर निकाय में भी महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। इसके साथ साथ एकल पद पर भी आरक्षण देकर के महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो उन्होंने कदम उठाया, जो उन्होंने काम किया, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सका। मैं मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक बेरोजगार परिवारों के लिए 1,25,00,000 से अधिक जॉब कार्ड बनाए गए, जिसमें लगभग 74,00,000 जॉब कार्डधारी सक्रिय हैं। अकेले वित्तीय वर्ष 2020-21 में की बात करें तो 13,02,795 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 16,71,308 लोग को जोड़े गए हैं। अब तक लगभग 12 करोड़ मानव दिवस सृजन हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक दिन में सर्वाधिक हमने जो मानव दिवस सृजन किया, 20,19,000 हमारे जो श्रमिक काम के मानव दिवस सृजन किया गया। 14 जून 2020 को मनरेगा से रोजगार दिया गया। मनरेगा के माध्यम से केवल हम रोजगार ही नहीं देते, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों का भी निर्माण करते हैं। शराबबंदी के क्षेत्र में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो कदम बढ़ाया शराबबंदी के क्षेत्र में, हमारे महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर एक क्षण के लिए अगर मुझे तानाशाह बनना पड़े तो पहला काम मैं शराबबंदी करूंगा। और शराबबंदी के बारे में महात्मा गांधी हमेशा कहते रहते थे, और उस काम को अगर मूर्त रूप देने का काम अगर किसी राज्य ने किया तो उसका नाम बिहार है, और बिहार के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। महात्मा गांधी के एक एक संकल्प को, एक एक काम को हम पूरा करने में बिहार की सरकार लगे हैं, और किस प्रकार से उस पर जन समर्थन मिला लोगों को, किस प्रकार से लोगों ने जन समर्थन दिया, ये आपसे छुपी ही बात नहीं है। जब शराबबंदी के लिए जब मानव श्रृंखला बन रहा था तो कितने लोग सड़कों पर आ गए। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, स्वच्छता के क्षेत्र में महात्मा गांधी जी कहते थे, महात्मा गांधी जी का मिशन था कि स्वच्छता को भी अपनाना है। बगैर स्वच्छता को अपनाए हुए हम राज्य को संबल नहीं बना सकते हैं, राज्य को हम और संबल नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी का सपना था कि हम देश में हम स्वच्छता को अपना करके हम देश को आगे बढ़ाने का काम करें। राज्य में लगभग 2,14,00,000 परिवार में से 1,36,44,000 परिवार शौचालय विहीन थे, तथा 16,70,000 पूर्व से निर्मित शौचालय अनुपयोगी थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा संकल्पित 7 निश्चय में से 1 निश्चय शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ साथ स्वच्छता को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता है। इसी प्रकार हर घर नल जल कार्यक्रम स्वच्छता पेयजल उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य और स्वच्छता उपलब्ध कराने में हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। हमने केवल शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं दिया, बल्कि हमने व्यवहार में परिवर्तन की भी बात किया। और जब तक हम व्यवहार में परिवर्तन की बात नहीं करते तब तक हम स्वच्छता को नहीं ला सकते हैं। स्वच्छता को लाने के लिए स्वच्छ